बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हमेशा खुशाबाद और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो वीडियो के आगाज़ में मैं बना रही हूँ खाना। खाने में जो है वो आज मैं बना रही थी बिरयानी। आज जो है वो इनको छुट्टी थी काम से, जुमे वाले दिन इनको छुट्टी होती है। तो इन्होंने आज सुबह सुबह ही मुझे फरमाइश कर दी कि आज ना बिरयानी खाने का दिल कर रहा है, तो आज जी ना मज़ेदार जी बिरयानी बना दे। तो बस मैं जो है ना नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने कहा दोपहर में जो है ना वो बिरयानी बनाते हैं। वैसे भी चावल जो है ना वो दोपहर में खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। तो नाश्ता नुश्ता करके हम लोग फारग हो गए थे, उसके बाद जो है ना घर के सारे काम कर लिए थे। अब जो है वो मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी और बिरयानी बना रही थी। ये जो है नाश्ता वगैरह करने के बाद और बाकी सारे काम जो भी है करने के बाद ये चले गए थे जुमा पढ़ने के लिए। और मैंने कहा मैंने आपके आने तक जो है ना वो बिरयानी तैयार करके रखती हूँ। तो ये जुमा पढ़ने चले गए हैं और मैं जो है वो यहाँ पे इनके लिए बिरयानी बना रही थी इन्हीं की स्पेशल फरमाइश पे। तो एक साइड तो जेड़ा ना वो बन रहे सी चावल बॉयल हो रहे सी, तो दूसरी साइड तो जेड़ा ना वो गोश्त बन रहा सी। तो मैं जेड़ा ना चिकन मसाले वाली जेड़ी बिरयानी है ना वो तैयार कर रही थी। तो बड़ी ही मज़े की बनी सी, बहुत ही वधिया बनी सी। तो साथ साथ जो है ना वो मैं बाकी काम भी कर लेती हूँ। तो साथ साथ चावल भी उभर रहे हैं और साथ में जो है ना वो गोश्त भी बन रहा था चिकन जो है, और साथ जो है ना वो मैंने रायता भी बना लिया था। रायता में मैंने प्याज और साथ में टमाटर और खीरा डाल के ना उसमें मसाला वगैरह डाल के इसको मिक्स कर लवेंगे। तो मज़ेदार जहा रायता जेड़ा ना इतने मेरा वो भी तैयार हो गया से। नाल नाल ही जेड़े होंगे ना मैं सारे काम खत्म कर लेने होंगे, फिर बंदा ना बड़ा जो है ना रिलैक्स हो जाता, नाल नाल सारे काम खत्म हो जाए, जल्दी भी काम खत्म हो जाते हैं। अच्छा जी, खाना छाना खाने तो बाद ना दोपहर का तो मैं क्या फिर असी जरा जाना सी मार्केट। मार्केट में बहुत ही ज़रूरी काम था, वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो है ना वो खाने की तैयारी कर लेते हैं। फिर ये है कि शाम को भी अगर भूख होगी तो थोड़ी बहुत यही खा लेंगे बिरयानी ही, नहीं तो अगर कुछ और खाने का दिल किया तो वो भी मैं बना दूँगी। तो बस ये है कि मार्केट जाने का प्रोग्राम था। एक ही इनको छुट्टी होती है और एक दिन ही होता है जब हम लोगों ने बाज़ार या मार्केट जाने का प्रोग्राम बनाना होता है। तो यहाँ पे चावल भी बॉयल हो गए थे और चिकन जो है वो भी रेडी हो गया था। अब जो जड़ा ना इन्हों ला देवे दम, तो दमा दम दम तो दम लग जाएगा, उस तो बाद जड़ा ना मज़ेदार जी साड़ी बिरयानी जी है ना वो तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, दिल ला के तो किसी की स्पेशल फरमाइश होए तो फिर तो खाना बनाओ और ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो बस यहाँ पे जड़ा ना मैं बना रही सी बिरयानी, तो बिरयानी हूँ लगी सी दम लाने इन्हों की, तह बना लाँगे, तह बना के तो इसको जो है ना वो दम पे लगा देंगे। तो तह के अंदर जो है ना वो मैंने प्याज काट के गोल गोल वो डाल दिया था, इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आता है बिरयानी के अंदर ना। और साथ में ऊपर सब धनिया वगैरह और लेमन वगैरह वो सारी चीज़ें डाल के तो इसके ऊपर एक और तह लगाएंगे और इसको जो है ना वो दम पे रख देंगे। तो यहाँ पे जो है ना वो बिरयानी की तह दे जड़ा ना वो मैं पाया सी सब्ज़ धनिया ते टमाटर ते नाल जड़ा ना वो प्याज, तो बस उत्ते तह लगा के उसके ऊपर जो है ना वो येलो कलर फूड कलर जो है वो डाल दूँगी और इसको जो है ना 15 से 20 मिनट में जो है वो दम पे लगा दूँगी। दम पे रखने के बाद साथ ही जो है ना वो मैंने कहा चलो शामी कबाब भी बना लेती हूँ। जिस दिन से शामी कबाब बनाए हैं मेरे हस्बैंड को खाने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने कहा कि आज जो है ना वो साथ बिरयानी के साथ जो है ना वो इनके लिए जो है वो कबाब भी साथ तैयार कर देती हूँ। तो बस तह लग गई थी बिरयानी की और दम पे भी रख दिया था, रायता भी मेरा तैयार हो गया था। अब जल्दी जल्दी जो है ना वो शामी कबाब भी बना लेते हैं। अच्छा जी, ये मुझे कह रहे थे कि ना आके जो है वो खाना बना लेना। मैंने कहा बाज़ार जाऊँ ना तो अच्छा खासा बंदा थक जाता है बच्चों के साथ, तो मैं जेड़ा ना खाना बना के खा के फिर जाना है, फिर जेड़ा ना बेफिक्र बंदा होंदा है। देर भी हो जाए बाज़ार च तो कोई टेंशन नहीं होंदी कि ना अभी जाके जो है वो खाना भी बनाना है और खाना भी है या भूख लगी है, तो घर से ही खा के जाओ तसल्ली रहती है आराम से। तो बस यहाँ पे जो है ना वो मैंने अंडे के अंदर जो है वो डिप करके तो शामी कबाब रख दिए थे आहिस्ता आहिस्ता पकने के लिए, और साथ में जो है वो मेरी बिरयानी को भी जो है वो दम आ गया। तो जल्दी जल्दी जो है ना अब इसको साइड चेंज करते हैं और मज़ेदार जी साड़ी बिरयानी रेडी हो गई सी इतने।
अच्छा जी, जो मैं हूँ वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरे मुंह में इतना बिरयानी को देख दोबारा से जो है वो पानी आ गया है। इतनी मज़े की बिरयानी बनी थी, दोबारा से खाने को जो है ना वो दिल कर पड़ा, अच्छी खासी जो है ना वो भूख बढ़ गई है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मैंने बिरयानी को वापस इसके ऊपर ढक्कन रख दिया था, क्योंकि अभी तक ये जुमा पढ़ के नहीं आए थे, मैंने कहा उनके आने तक ठंडी ना हो जाए। तो मैं उसकी ना साइड सारा उन्होंने अच्छी तरह मिक्स करके दोबारा उसके ऊपर ढक्कन देता सी। तो हूँ जो है ना शामी कबाब भी मेरे रेडी हो गए थे, तो अब जो है वो बिरयानी जो है वो डाल लेते हैं प्लेट में, और आपको जो है ना वो बिरयानी की फाइनल फाइनल जो मज़ेदार सी लुक है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी। आपके भी मुँह में ज़रूर पानी आया होगा इतनी मज़े की बिरयानी देख के। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मैंने अपने हस्बैंड के लिए प्लेट तैयार कर ली थी, साथ में शामी कबाब भी रेडी थे और साथ में रायता भी तैयार था। तो उनको सबसे पहले जो है वो देते हैं बिरयानी, क्योंकि उन्हां दी ही फरमाइश देते आज बनी सी मज़ेदार जी बिरयानी, यमी यमी बिरयानी। तो बस यहाँ पे जो है ना वो बैठ के अपना खाना खा लेते हैं, और खाना खाने के बाद फिर बच्चों को तैयार किया, खुद तैयार हुए, और उसके बाद जो है ना वो फिर हम लोग चले गए थे बाज़ार की तरफ। तो बस यहाँ पे बैठ के सारे मिलके जो है वो अब खाना खा लेते हैं, खाना इंजॉय करेंगे। खाना इंजॉय करने के बाद फिर जो है वो बाकी जो है वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ इसी व्लॉग में शेयर करेंगे। तो जी, यहाँ पे जो है ना वो खाना शाना खा के सारे घर के काम ख़त्म करके बेफिक्र होके अब जो है वो हम लोग जा रहे थे बाज़ार। बाज़ार हम लोग जा रहे थे अनाबिया की, जो है ना वो माशाल्लाह से अब हो गई है 1 साल से ज़्यादा, और वो जो है ना वो अब मैक्सिको से जो है छोटे बच्चे की जो सीट होती है ना उसमें लेटती थी, तो अब माशाल्लाह से वो बड़ी हो गई है, बैठ भी जाती है, चलती भी है। तो वो जो है ना वो अब सीट में पूरी नहीं आती, उसकी टांगें जो है ना वो पीछे लगती हैं सीट में। तो मैं इनको कह रही थी कि इसके लिए जो है ना वो बैठने वाली अब जो सीट है वो ले लेते हैं। तो माशाल्लाह इसका जो वेट है ना वो 9 किलो से ज़्यादा है, तो फिर ये है कि जो बड़ी सीट है ना वो इसकी बैठने वाली जो सीट है वो अब ले लेते हैं। तो बस वही लेने के लिए हम लोग आए थे। यहाँ पर हमारे घर के जो है ना साथ ही थोड़ी दूर ही जो है ना ये आइनकॉफ सेंटर है, तो बस यहाँ पे आए थे। यहाँ पे सब मार्केटें हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही काम था कि हमने इसकी जो है ना वो वागन लेनी थी। तो बस हम लोगों ने गाड़ी पार की, अब जो है वो अंदर जाएंगे, यहाँ पे सारी मार्केटें हैं, टोटल मार्केटें हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो हम लोग आ गए थे ये बच्चों के स्टोर में, टॉय स्मिथ या टॉय जो भी इसका नाम है। तो बस यहाँ पे जो है ना वो लिफ्ट, मेरी बेटी को जो है ना नकाशा को, उसको लिफ्ट के बटन दबाने का बड़ा शौक है, तो वो बैठी बैठी जो है ना वो लिफ्ट के बटन दबाती है। ये पूरा स्टोर जो है वो खिलौनों का, बच्चों का, बड़े से लेके छोटे तक, पैदा होते हुए बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक, हर चीज़ यहाँ पे है, टोटली बच्चों के खेलने का सामान और सारा कुछ ना। तो ये हम लोगों ने इस तरह की जो है वो सीट लेनी थी, और ये 2 सीटें लगी हुई थी, लेकिन ये हमें पसंद नहीं आई थी। तो बस जेड़ा इत्थे आके बच्चियां ने सानू वक्त पाया, या अल्लाह कसमें बच्चियां नू रोंदियां पिटदियां जबरदस्ती जो है ना वो हम लोग घर से इधर से बाहर जो है ना वो लेके गए हैं, कि हर खिलौना जो भी देख रहे थे, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। तो बस हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो यहाँ पर सीट पसंद की है, जो हमें हमारी रेंज में आई है, जो हमें पसंद आई है, वो वाली सीट हम लोग लेंगे, और उसके बाद जो है ना फिर बाकी जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। छोटे बच्चों के साथ ना शॉपिंग करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, और यहाँ पे ये अनाबिया के आप लोग काम चेक कर लें ज़रा। अच्छा जी, नकाशा तो नकाशा, अनाबिया उससे भी बढ़ के कसम से ना वागन में बैठ रही थी
और ना ही जो है वो चल रही थी, वो जिस खिलौने को देख रही थी मैंने ये लेना है, उठा उठा के उसको भाग रही थी, और हम बच्चों के पीछे पीछे और बच्चे जो हैं वो हमारे आगे आगे कि हम लोगों ने जो है वो ये भी खिलौने लेने हैं, वो भी खिलौने लेने हैं। और नकाशा ने तो इतनी ज़्यादा ज़िद की कि हर खिलौने भी उसकी, मैंने ये वाला खिलौना लेना है बाबा, ये वाला खिलौना लेना है, और जितने भी इस स्टोर में बच्चे थे जितने भी, वो उनका बस यही लड़ाई, सारे ही रोते हुए माँ बाप ज़बरदस्ती उठा उठा के बच्चों को लेके जाते हैं कि चलो हुण बस कर दो, बहुत हो गया हुण। और मैं जो है ना, वो खिलौने थे भी बहुत ज़्यादा महंगे महंगे, कुछ मुनासिब भी हैं कुछ महंगे भी हैं, बस यहाँ पे हर तरह के जो है ना वो खिलौने, टॉयज बच्चों के बड़ों के हर तरह के, यहाँ पे जो है ना थोड़े बड़े बच्चों के मसलन खिलौने थे, और इन्होंने ऐसे ऐसे खिलौने बनाए हुए हैं ना कि बच्चे देख के बस हमने ये भी लेना है वो भी लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना बड़ों के तो बच्चों के तो कपड़े होते ही होते हैं, और यहाँ पे इन्होंने गुड़िया का पूरा पूरा कमरा जैसे होता है, अलमारियाँ हैंगर, और ये देखिए इनके कपड़े फैंसी, सोने वाले अलग, वैसे पहनने वाले अलग, और जितने की गुड़िया है ना उतने ही उतने के ही इनके कपड़े भी हैं। तो ये देखिए ये सब इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए थे। तो बस यहाँ पे ये देखिए हमने सीट ले ली थी, ये वाली हम लोगों ने सीट ली है, नकाशा की भी सेम ऐसी ही सीट थी, और इसने भी जो है ना वो सेम ऐसी ही सीट ली है। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो हम लोग ये गाड़ी में रखने चले गए थे, और बच्चों ने जो है ना, और फिर हम लोग किसी भी मार्केट में नहीं गए क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा तंग करते हैं मार्केटों में। अच्छा जी, इनको रोते धोते जो है ना वो उस मार्केट से बाहर निकाला है, तो बस यहाँ पे जो है ना वो स्पील प्लाट्स में इतनी ज़िद ला गई कि मैं हूँ इतने खेडना है, मैं स्लाइड लेनी है, तो वहाँ से लॉलीपॉप ले, ये वाला खिलौना लो, वो वाला खिलौना लो, तो बस यहाँ पे अब इसने स्लाइड ली है, और नाबिया के काम देखे वो भी पीछे पीछे इसके, जो ये काम कर रही है मैं भी माशाल्लाह से वही काम करूँ। और सारे ही बच्चों का मुझे लगता है यही काम है कि ये जो पानी में जो जंप करना है ना वो सारे बच्चों का काम है, और इसका भी यही काम है, थोड़ा सा पानी कहीं खड़ा देखती है ना तो उसी टाइम जो है ना उसमें जंप करना शुरू कर देती है। तो बस बच्चों को यहाँ पे अच्छा खासा खिलाया है, यहाँ पे सुबह तो पहले बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से जो है ना वो अच्छा खासा जो है ना वो ऐसे गीला गीला था, तो मैंने स्लाइड सारी साफ़ करके दी उसने, उसके बाद इन्होंने सही जो है वो यहाँ पे खेले हैं, और नाबिया भी साथ साथ यहाँ पे जो है ना वो खेल रही थी। खेलने के बाद फिर हम लोग जो है वो घर वापस चले गए थे। अच्छा जी, यहाँ से भी जो है ना वो बच्चों को ज़बरदस्ती, ये देखे कह रही है मैंने नहीं उतरना, मैंने अभी और खेलना है, ज़बरदस्ती यहाँ से भी बच्चों को जो है ना वो उठा के लेके गए, इनका दिल ही नहीं कर रहा था घर जाने को, पता नहीं क्या, बच्चे जब यहाँ के बाहर जाते हैं ना फिर इनका घर जाने का दिल ही नहीं करता। और अनाबिया के काम देखें, वो भागी जा रही है, और विंडो शॉपिंग हो रही है जी अनाबिया की, तो ये तो काबू ही नहीं आ रही थी, ना वागन में बैठ रही थी और ना ही जो है ना वो उठाने दे रही थी, और ऐसे जो है वो भाग रही थी। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो सीट ली थी ये अब गाड़ी में लगा रहे थे, पहले इसको वो जो मैक्सिकोजी है ना अनाबिया को उसमें लगा के लेके आए थे, तो यहाँ पे गाड़ी के अंदर इसकी सीट सेट की है, इसको इसमें बिठाया है, तो अब जो है वो घर वापसी के लिए निकलते हैं। दोनों की सेम सीट है, कोई भी फ़र्क नहीं है, सेम कलर की एक जैसी जो है ना वो सीटें ली हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।